सकता है कंट्रोवर्शियल हो जाए। देश की सबसे अनुशासन वाली पार्टी माने जाने वाली भाजपा में क्या अनुशासनहीनता हुई है, ऐसा हम क्यों कह रहे हैं आपको बताएंगे, खबर पूरी देखिएगा। फिल्म अभिनेत्री और मंडी से सांसद कंगना रनौत एक बार फिर अपने बयान से अपनी ही पार्टी के लिए मुसीबत खड़ी कर सकती हैं। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अपने लेटेस्ट बयान में कंगना ने किसान कानूनों को वापस लाने की बात कही है। सर पर हरियाणा के चुनाव हैं और कंगना का ये बयान पार्टी के लिए मुसीबत बन सकता है। एक महीना पहले भी कंगना को किसानों पर दिए विवादित बयान पर पार्टी ने फटकार लगाई थी। चलिए आपको सुनाते हैं अपने लेटेस्ट बयान में कंगना ने क्या कहा। और किसानों के जो लॉज हैं वो मुझे लगता है जो रिपील हो गए हैं वो फिर से लगने चाहिए, हो सकता है कंट्रोवर्शियल हो जाए, लेकिन मुझे लगता है किसानों के हितकारी लॉज वापस आने चाहिए और किसानों को खुद इसकी डिमांड करनी चाहिए, और ताकि हमारे किसान भी जैसे बाकी जगहों पे समृद्धि हो रही है, हमारे किसान की समृद्धि में कोई ब्रेक ना लगे। और जैसे वन नेशन वन इलेक्शन, सारे ब्यूरोक्रेसी हो गए, सारे जो हमारे लीडर हो गए हर दो दो तीन तीन महीने में इलेक्शन करते रहते हैं, तो देश के विकास में किसान जो है वो मेन हमारा एक पिलर ऑफ स्ट्रेंथ है। अपने इस लेटेस्ट बयान में कंगना ने कहा है कि किसान कानून लागू होने चाहिए, वही किसान कानून जो लंबे किसान आंदोलन के बाद केंद्र सरकार ने नवंबर 2021 में वापस ले लिए थे। आपको बता दें एक महीना पहले कंगना रनौत ने एक इंटरव्यू के दौरान किसानों पर विवादित बयान दिया था। कंगना ने कहा था कि किसान आंदोलन के समय वहाँ हिंसा हो रही थी, लाशें लटकी होती थी, वहाँ रेप होते थे। आगे कंगना कहती है कि ये तो अच्छा हुआ किसान कानून वापस ले लिए गए, नहीं तो इनकी लंबी प्लानिंग थी और इस साजिश में चीन और अमेरिका भी मिले हुए थे। यहाँ पे जो फार्मर्स प्रोटेस्ट हुए वहाँ पे लाशें लटकी थी, वहाँ पे रेप हो रहे थे, और जब वो किसानों के हितकारी बिल जो वापस लिए गए थे तो पूरा देश जो है वो चौंक गया था, और वो किसान आज भी वहां बैठे हुए, उन्होंने कभी सोचा ही नहीं ये बिल वापस होगा। वो बड़ी लंबी प्लानिंग थी जैसे बांग्लादेश में हुई है। तो इस तरह के षड्यंत्र, और आपको क्या लगता है किसानों, चाइना, अमेरिका, इस तरह की जो विदेशी जो शक्तियां हैं वो यहाँ काम कर रही हैं। ऐसे बिना तथ्यों के विवादित बयान देने पर भाजपा भी बैकफुट पर आ गई थी और पार्टी को लेटर जारी कर कंगना को सख्त दिशा निर्देश देने पड़े थे। लेटर में साफ साफ कहा गया था कि भाजपा सांसद सुश्री कंगना रनौत द्वारा किसान आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में दिया गया बयान पार्टी का मत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सुश्री कंगना रनौत के बयान से असहमति व्यक्त करती है। पार्टी की ओर से पार्टी के नीतिगत विषयों पर बोलने के लिए सुश्री कंगना रनौत को ना तो अनुमति है और ना ही वे बयान देने के लिए अधिकृत है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से सुश्री कंगना रनौत को निर्देश दिया जाता है कि वे इस प्रकार के कोई बयान भविष्य में ना दें। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास तथा सामाजिक समरसता के सिद्धांतों पर चलने के लिए कृत संकल्पित है। तो क्या कंगना ने दोबारा किसानों के नीतिगत विषय पर टिप्पणी करके पार्टी के अनुशासन को तोड़ने का काम किया है? इस वक्त हरियाणा चुनावी मोड में है और विषय की संवेदनशीलता को देखते हुए खुद भाजपा का कोई भी नेता ये नहीं बोल रहा कि वापस लिए गए कानून दोबारा लागू किए जाएं। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि कंगना पर पार्टी कोई एक्शन ले सकती है। आपका क्या कहना है इस पूरे मसले पर, कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर साझा करें। फेसबुक पर पोल स्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल